दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हो कि मोदी जी इसराइल के समर्थन में कुछ नहीं बोल रहे हैं और वो गलत है, तो दरअसल गलत आप सोच रहे हो। मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं चुप रहकर। भारत माता की जय दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। मेरी चैनल हज्जड़ हुर्ती पे आपका फिर से स्वागत है। इसराइल के भारत पे इतने सारे एहसान और दोस्ती के बावजूद भी मोदी जी इस मुद्दे पर चुप है और वो अपने देश के लिए अच्छा है, वो क्यों अच्छा है, उसके लिए आज हम बात करने वाले हैं। इस मुद्दे को अगर आप भी हिंदू मुस्लिम एंगल से ना देखें और एक व्यापारी बनकर देखें, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि क्यों मोदी जी चुप है। मोदी जी की निंदा मैं तब करता जब इस वक्त वो पैलेस्टाइन के साथ खड़े होते। दोस्तों, अरब देशों में हमारा एक्सपोर्ट सालाना 4,000 करोड़ रुपए का है। कैन यू बिलीव दैट? 4,000 करोड़ In American style, it is lot of money, dear. It is lot of money. हमको सबसे सस्ता ऑयल, सबसे सस्ता और बहुत बहुत अच्छी शर्तों पे सिर्फ अरब देश दे रहे हैं। अफगानिस्तान में हर साल 400 करोड़ रुपए का एक्सपोर्ट हो रहा है, जो अरब देशों की गलियों से हो रहा है, यानी गलियों से नहीं, हाईवे से हो रहा है, उनके रास्ते से हो रहा है। अरब देशों ने इंडिया में दोस्तों 800 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, 800 करोड़ रुपए, और ऊपर से वो पाकिस्तान को स्थिर रखने में भी अपनी मदद कर रहे हैं। मोदी जी अच्छे व्यापारी हैं, इसमें तो कोई शक ही नहीं है, और वो अभी अच्छे व्यापारी बन रहे हैं और करीबी दुश्मनों को स्थिर कर रहे हैं। अब आते हैं इसराइल की बात पर। इसराइल हमेशा से भारत के साथ खड़ा रहा है और खड़ा भी रहेगा, भविष्य में भी खड़ा रहेगा, क्योंकि भारत के लोगों का, हम लोगों का उसको इतना समर्थन मिला है कि जिसको उसने रेकॉग्नाइज भी कर दिया है। वो भारत सरकार की लाचारी जान रहा है और उसको वो समझ भी रहा है, इसलिए इसराइल अपने साथ हमेशा खड़ा रहेगा। दूसरा, इसराइल का व्यापार भारत के साथ बहुत बड़ा है, तो वो भारत से दुश्मनी मोड़ देना नहीं चाहेगा। अंतरराष्ट्रीय मामलों में चुप रहकर भी समर्थन दिया जा सकता है, उसका ये उत्कृष्ट उदाहरण है। और इजरायली सरकार इस मुख्य समर्थन को समझ भी रही है और मोदी जी हमें नहीं रोक रहे इजरायल को समर्थन देने में, इसलिए हम तो समर्थन देते रहेंगे। मेरी आपसे विनती है दोस्तों कि इसको हिंदू मुस्लिम एंगल से ना देखें, लेकिन इस एंगल से देखें कि इजरायल सच की तरफ है और हम सनातनी हमेशा सच की तरफ रहते हैं। अगर हम नहीं ऐसा करेंगे तो हमारे में और जो कट्टरपंथी धर्म वाले हैं उनमें क्या फर्क रहेगा। यहाँ पर मेरा वीडियो समाप्त हो रहा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं, जिससे मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। भारत माता की जय, जय श्री राम।